दोस्तों आप में से कितने यूजर्स यहाँ पर अभी भी IPS पैनल वाले स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और गाइस जहां तक बात है सुपर एमोलेड पैनल की, तो दोस्तों सुपर एमोलेड पैनल हमें पहले यहां पर 15,000 से 20,000 रुपए या फिर उससे ऊपर सेगमेंट में ही देखने को मिलती थी। लेकिन गाइस अब ये जो डिस्प्ले है ये हमें काफी सारे ब्रांड की तरफ से और कम बजट के अंदर देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पर सुपर एमोलेड पैनल वाला फोन लेना चाहते हैं गाइस, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट सुपर एमोलेड फोन्स के बारे में, जो कि आप परचेस कर पाएंगे अंडर 13,000 रुपीज। और हाँ दोस्तों, यहां पर आपको सिर्फ एमोलेड की पैनल ही नहीं मिलने वाली है, बल्कि आपको यहां पर अच्छे कैमराज भी मिलेंगे, साथ ही साथ अच्छी खासी बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और जहां तक बात है परफॉर्मेंस की, तो यहां पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को, और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से आने वाले मोटो G31 के बारे में। जी हाँ गाइस, अभी तक का बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रह चुका है मोटोरोला की तरफ से। बात करें यहाँ पर फोन की, तो प्लास्टिक बिल के साथ में आपको स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन डिजाइन आपको यहाँ पर मिनिमल दिया गया जो कि काफी अच्छा लगता है। इसके साथ ये फोन आपको हल्का फुल्का वाटरप्रूफ भी देखने को मिल जाएगा, तो काफी अच्छी बात हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और AMOLED की पैनल देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको यहां पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन बताया नहीं गया कि आपको यहां पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन देखने को मिलता। गेमिंग के लिए गाइस आपको यहां पर 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है, तो नो डाउट दोस्तों यहां पर भी आपको डिस्प्ले बहुत अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले के मामले में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। कैमरास की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको बैक में 50+8+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ पर भी 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, और नेचुरल कलर के साथ में आपको यहाँ पर आउटपुट भी अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों बात कर ले वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। उसकी बात करें तो इस फोन के अंदर भी 5000mAh की बैटरी ही देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों आपको इसको तेजी से चार्ज करने के लिए 20 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट मिल जाएगी, तो बैटरी मॉड्यूल यहां पर भी आपको अच्छा मिल जाता है, यहां पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा दोस्तों बात कर ले परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर भी आपको लगभग 200,000 के आसपास के औंतित स्कोर देखने को मिल जाएंगे, तो परफॉर्मेंस वगैरह आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर भी आपको लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, जहां पर आप इजीली डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग वगैरह काफी आसानी से कर सकेंगे, तो यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको एक और खास फीचर देखने को मिल जाता है स्मार्टफोन का UI, जो कि आपको नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ में देखने को मिलेगा, और लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के साथ में आता है। तो यहां पर आपको कोई ब्लॉटवेयर ऐप और ऐड नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है, जिसका मतलब आपको यहां पर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। सभी के अलावा यहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो आप यहां पर एक साथ में 2 4G सिम या फिर एक 4G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। अगर एक लाइन में कहा जाए, तो अगर आप यहाँ पर हल्की फुल्की गेमिंग करते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और मूवीज वगैरह देखने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन लेना है, तो आप इस फोन को देख सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाता है 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,999 रुपए की प्राइस पर। वहीं पर इसका 6 और 128 वाला वेरियंट आपको मिल जाता है 14,999 रुपए की प्राइस पर। सो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के अगले फोन की तरफ। दोस्तों अगला जो फोन है, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। और गाइस ये फोन है यहाँ पर Infinix का Note 11। गाइस अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर एक स्लिम स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये फोन आपको यहाँ पर 1.9mm थिकनेस के साथ में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये स्मार्टफोन आपको सिर्फ और सिर्फ 184 ग्राम का देखने को मिलता है। इसका मतलब उसको पतला होने के साथ साथ ये आपको थोड़ा सा लाइट वेट भी देखने को मिल जाएगा, तो काफी अच्छी बात हो जाती है। इन सभी के अलावा प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ स्मार्टफोन है, लेकिन दोस्तों बैक में आपको यहाँ पर मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग दी गई है, तो लुक आपको यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है। लुक वाइज आपको यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंचेस के साथ में फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और AMOLED पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहां पर NEG DinoRex T2X का प्रोटेक्शन दिया गया है, और साथ ही आपको यहां पर 650 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब इंडोर और आउटडोर में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी।
गेमिंग के लिए नॉर्मल 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। डिस्प्ले आपको यहाँ पर A+ यानी तो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं पर बात कर ले कैमरास की तो यहाँ पर आपको बैक में 50+2 मेगापिक्सल के दो कैमरा देखने को मिलेंगे और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको कैमरा आउटपुट भी अच्छा मिलने वाला है, साथ ही साथ आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps। कैमरा मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों 12,000 रुपए की प्राइस पर अभी तक किसी भी स्मार्टफोन के अंदर आपको इतना अच्छा बैटरी मॉड्यूल नहीं देखने को मिला होगा। 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो नो डाउट दोस्तों बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलने वाला है। 1 घंटे के अंदर ये जो स्मार्टफोन है फुल चार्ज हो जाएगा। इसके साथ में बात कर ले परफॉर्मेंस की तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर MediaTek Helio G88 का लेटेस्ट वाला प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है, जहाँ पर लगभग आपको 210,000 के आसपास के अंततः स्कोर भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आप यहाँ पर इजिली डे टू डे टास्क और नॉर्मल गेमिंग वगैरह काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। इन सभी के अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक, ट्रिपल कार्ड के स्लॉट और साथ ही साथ आपको यहाँ पर गेमिंग के लिए और कंटेंट वॉच करने के लिए अच्छी खासी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। ऑडियो भी आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों बात कर लें यहाँ पर OS की तो ये फोन आपको Android 11 बेस XOS 10 पर देखने को मिल जाता है। हालांकि आपको यहाँ पर अभी भी थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो आपको पहले से काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। एक लाइन में कहा जाए गाइस तो अगर आपको 12,000 रुपए के अंदर एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेज करना है तो डेफिनेटली आप इस फोन को देख सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 11,999 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों स्मार्टफोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और दोस्तों अगला जो फोन है ये आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिल जाएगा, सैमसंग गैलेक्सी F22, क्योंकि गाइस सैमसंग की तरफ से अभी तक इस प्राइस पर एक बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रह चुका है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं यहाँ पर स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, 9.4mm थिकनेस के साथ में स्मार्टफोन आता है। साथ ही स्मार्टफोन का वेट है 203 ग्राम, तो इसका मतलब कि ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर बल्कि और साथ ही साथ थोड़ा सा मोटा देखने को मिलेगा, और वो भी दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की वजह से, क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर 6000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है जिसको तेजी से चार्ज करने के लिए 15W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और चार्जिंग के लिए टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले की तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की डिस्प्ले दी गई है, जहां पर आपको HD+ का रेजोल्यूशन और साथ ही साथ सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों प्रीवियस दोनों स्मार्टफोन से आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी और भी अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 800 nits तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पर इनडोर और आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही दोस्तों गेमिंग के लिए 90Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं यार कि सैमसंग की जो डिस्प्ले होती है वो काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात कर लेते हैं कैमरास की दोस्तों, तो बैक में आपको यहाँ पर 4 कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर 48MP का मेन कैमरा, 8 का अल्ट्रावाइड, 2 का मैक्रो और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 13MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी काफी अच्छा मिल जाएगा, तो उससे भी कोई शिकायत नहीं होने वाली है। साथ ही आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G80 का चिपसेट दिया गया जो कि 12nm फैब्रिकेशन के साथ में आता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर भी आपको लगभग 200,000 के आसपास के अंततः स्कोर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहां पर समझ चुके होंगे कि परफॉर्मेंस और गेमिंग आप यहां पर अच्छी कर सकते हैं, दोनों में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा यहां पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक और ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। और दोस्तों सैमसंग का फोन है तो आपको यहां पर UI भी काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। Android 11 बेस 1UI 3.1 के साथ में स्मार्टफोन मिल जाता है, जहां पर आपको यूजर इंटरफेस में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और दोस्तों स्मार्टफोन की एक और अच्छी बात है कि इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर सैमसंग की ऑफिशियल नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब आपका जो डेटा है वो भी पूरी तरह से सिक्योर होने वाला है। सो गाइस यहाँ पर भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समराइज किया जाए तो अगर आपको यहाँ पर इस प्राइस पर एक बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस करना है नॉन चाइनीज के मामले में, तो डेफिनेटली आप इस फोन को देख सकते हैं। ये फोन आपको मिल जाएगा 4GB रैम 64GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में 12,999 रुपए की प्राइस पर। सो दोस्तों ये तो वो top 3 फोन जहां पर आपको AMOLED पैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आपको यहां पर फीचर्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ फोन्स के अंदर आपको यहां पर परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी।
साथ ही साथ हमने सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप इनकी करंट प्राइस भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।